प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान लोगों के लिए साबित हो रही है वरदान। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान से जुड़कर महिलाएं लिख रही है आत्मनिर्भरता की नई इबारत। एक समय ऐसा था कभी घर से बाहर नहीं निकलने वाली महिलाओं के लिए आज राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठान आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। घर के चार दीवारी के भीतर रहने वाली महिलाएं अब गौठान से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही है। प्रदेश सरकार भी इस महत्वाकांक्षी सुराजी गांव गौठानों के लिए हर स्तरीय मदद मुहैया करा रही है, जिनसे अब आर्थिक गतिविधि का केंद्र के रूप में उभर रहा है गौठान। बता दें कि मुंगेली जिले के कुल 335 गौठान स्वीकृत किया गया है। इनमें से 279 गौठान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं सक्रिय गौठानों में सुचारू रूप से गोबर क्रय के साथ विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधि भी संचालित की जा रही है, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मशरूम, सब्जी उत्पादन, दोना पतल, पान मसाला, गौस्थान, कांडा मशीन सहित कई योजनाएं चलाई जा रही है। इससे जिला से हजारों की तादाद में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में स्वयं जिला कलेक्टर राहुल देव लगातार जिले के दौरा कर लोगों से रूबरू होते हुए गौठानों में भ्रमण कर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं आज मुंगेली विकासखंड के ग्राम संगवा कापा जरहा गांव का गौठान का निरीक्षण किया गया, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं न केवल वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही बल्कि उसके विक्रय से अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर रही है। गौठान में कार्यरत मां शारदा स्व सहायता समूह की महिलाएं बताती है कि उनके द्वारा गौधन न्याय योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 500 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय किया जा चुका है। समूह की अध्यक्ष मनीषा जसवाल बताती है कि पहले वह केवल घर का कामकाज संभालती थी, लेकिन अब वह घर के चार दीवारी से बाहर निकलकर गौठान में भी कार्य कर रही है। गौठान से जुड़कर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है, साथ ही गौठान से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि गौठान से जुड़कर वह काफी खुश है। मोर नाम मनीषा जायसवाल है, मोर सम्मुख नाम है माँ शारदा सहायता, मोर गांव नाम संगवा कापा। हमन गौठान में जुड़े हन, गौठान में जुड़े के बाद हमन 500 क्विंटल खाद तीसरा साल आज था, मतलब 500 क्विंटल खाद हमन है बिक्री कर चुके हैं। ओखर से हमन लाभ मिली से और लाभ के हमन है मतलब हमार पहली आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही से, अब गौठान में जुड़े के बाद हमार आर्थिक स्थिति में सुधार रही से। और हमार सरकार से भी निवेदन है कि आगे भी और कुछ काम हुई तो हमन करना चाहत हन समूह के माध्यम से, और मोर समूह 10 सदस्य भी है। वही गौठान के चरवाहा धन सिंह ने बताया कि 500 से अधिक मवेशी से गोबर बेचकर 80,000 रुपए कमाए हैं, और मवेशी चराने के एवज में मवेशी मालिक मेहनताना अलग से देते हैं, यह अतिरिक्त लाभ है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। धन सिंह यादव मोर नाम है, मैं यही गांव के रहिया हूँ संगवा कापा के। ये योजना से वर्दी से मोला बहुत लाभ मिले हवे, और 80,000 के गोबर में बेच डरे हैं, और सरकार ऐसने योजना खोलत रहे हमन ला फायदा मिलत रहे, हम सरकार ला धन्यवाद देबुन, और एकर से मोर पूरा परिवार खुश है। गौठान न केवल पशुओं को रखने का जगह बल्कि आजीविका गतिविधियों का एक सशक्त माध्यम भी बना है। जनपद सदस्य निरंजन साहू ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव एवं गौधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रहा है। पशुपालक, किसान एवं चरवाहा गोबर बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। गौठान में स्व सहायता की महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधि के माध्यम से सशक्त हो रही है। वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कर विक्रय से समूह की महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मवेशियों के लिए शासन द्वारा गौठान में सभी व्यवस्था की जा रही है। घर से कभी बाहर ना जाने वाली आज गौठान से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही है। मेरा नाम निरंजन साहू है, मैं जनपद सदस्य हूँ यहाँ का, और जो
गौठान है सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है। इसे यहाँ का चारवाहों का बहुत लाभ हुआ है। लगभग 80,000 का लोग मतलब गोबर खाद बेचा है और यहाँ का जो गौठान का समूह है वो वर्मी कंपोस्ट का मतलब बनाया जाता है, उन लोग को भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। और पानी का भी बढ़िया व्यवस्था है, कोटनामन में हमेशा हम लोग लाइन अप करते रहते हैं चरवाहों के कि भाई एनी टाइम पानी रखिए। बीच में पैरा मंगाया था, खत्म हो गया है, अभी और पैरा वैरा की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। धन्यवाद। जिला मुंगेली के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आज हमारा दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित था और हमने विभिन्न योजनाओं की जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रहा है उसको जानने के लिए और कैसे बेहतर हो सकता है उसके लिए हम पूरी टीम के साथ निकले हैं। सबसे मुख्य जो अभी चीज़ है वो है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको सही समय पर ऋण मिल पाए और जो नगद और वस्तु ऋण है, जो खाद है, बीज है, उसको उपलब्ध हो पाए, इसके लिए हमने समितियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, कुपोषण को कैसे दूर भगाना है ये भी शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, तो उसके तहत हम आके यहाँ पे देखें कि कैसे आंगनबाड़ी का संचालन हो रहा है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले आने वाले बच्चों के लिए। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन, उसकी भी जमीनी स्थिति को जानने के लिए अभी यहाँ से हम जाएंगे। साथ ही साथ आज लोरमी के जो अचानकमार क्षेत्र के जो स्थापित ग्रामीण हैं जो अचानकमार टाइगर रिजर्व के जंगलों में निवास करते हैं उनके पास जाके उनसे मिलके उनकी समस्याओं को जानेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको वन अधिकार पट्टे के साथ साथ उनकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और हर गांव में 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है, तो उनकी क्या मांगे